विजय कुमार फोन किया? विजय कुमार ने करे नहीं करे। गुरु फोन किया? के बुगाए? पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला अकालग्रस्त इलाकों में आता था और प्रतिवर्ष सरकार को यहां करोड़ों रुपए अकाल राहत के नाम पर खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब प्रकृति यहां अपना बंजर स्वरूप छोड़ चुकी है। यहां अब 2 या 3 फीट जमीन खोदने के बाद पानी आना यहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। कई मकान इससे ग्रसित होकर परेशानी में है, उनके मकान मालिक परेशान है कि आखिर इसका निदान कैसे किया जाए। राज्य सरकार ने इसके लिए नियम बदल दिया और यहाँ पर अब टांका खुदवा कर पानी संग्रहण करना नए मकानों के लिए ज़रूरी नहीं है, पट्टों के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस समस्या को निराकरण इस समस्या का निराकरण ढूंढा है गुजरात की एक कंपनी ने। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मकान को करीब 3 फीट तक उठा लिया गया है और अभी 3 फीट तक इसको और उठाया जाएगा। ये बड़ी बात है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। सारी की सारी बातें हम इनसे जानेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि बाड़मेर के लिए ये तकनीक कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। सर, आपका नाम बताएं और आप कहाँ से संबंध रखते हैं? मेरा नाम मुकेश भाई और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। और ये मकान जो है आप देख रहे हो, उसमें पानी भर जाता था बारिश के समय में, तो इन्होंने ये तकनीक देखी कहीं और हमारे संपर्क किया। हमने एक आके यहाँ पे ये मकान 3 फीट तो अभी उठ चुका है और 3 फीट उठेगा। इससे मकान उठाने से लोगों का पैसे का फायदा होता है और समय का फायदा होता है। जैसे कोई मकान की लागत है 25-30 लाख का मकान है, तो उसको आप ऐसे उठवा के ऊंचा करवाते हो तो 2 महीने से 3 महीने में हो जाता है और 6 से 8 लाख में बिल्कुल मकान तैयार हो जाता है। आपके पास जब ये तकनीक आपने शुरू की थी, उससे पहले अगर किसी को इस तरह का काम करना होता था तो शायद वो विदेशों से सहायता लेते थे, तब इसका बहुत महंगा होता होगा? नहीं, ये पहले तो ये होता ही नहीं था। पहले तो इसको बिल्कुल पूरा डिमोलिशन करके फिर नया बनाना पड़ता था और ये बहुत महंगा पड़ता था लोगों को। तो लोगों को क्या है, बारिश के समय में तकलीफ बहुत होती है। आप बताएंगे जरा कि किस तरीके से क्या लगाते हैं आप? हाँ। किस किस तरीके खड़ा करते हैं? ये पूरे का पूरा फ्लोरिंग से लेकर जैक, इसको दीवार तोड़ के नीचे से नींव खींच के इसको जैक लगाया जाता है। जैक लगाने के बाद पूरे के पूरे मकान में ऐसे चैचिस चैनल जैसे बना देते हैं और जैसे लेवल टूटी बना रहे और बारी बारी जैसे नंबर बोलते हैं ऐसे इसको उठाते जाते हैं। तो ये अभी जैसे आपने इसको करीब 3 फीट उठाया है, हाँ। तो अब ये करीब 3 से 4 फीट तक और उठेगा? हाँ, अभी और 3 फीट उठना बाकी है, 1-6 फुट उठ जाएगा। कितना आप ऐसा कर चुके हैं और किस बात के लिए आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है? 11.5 फुट ऊंचा करने के लिए हमको रिकॉर्ड मिला है और ये 4600 भी ज्यादा मकान हम ऊंचा कर चुके हैं। बाड़मेर की जो ये समस्या है वाटर लॉगिंग की, इसके बारे में आपको जानकारी है कि ये यहाँ पर किस तरीके से इसका निदान हो सकता है और क्या आपने जो ये तकनीक यहाँ पर शुरू की है इसका फायदा बाड़मेर में कितना हो सकता है? इसको बहुत फायदा हो सकता है, बहुत से लोगों को मकान में समय और पैसे की बचत यही तकनीक से हो सकती है। यकीनन राज्य सरकार ने काफ़ी प्रयास किए, उसके बाद उनके पास निदान नहीं निकला और कई बार ये कहा जाता है कि जब आपके पास निदान नहीं होता तो आपको समझौते करने पड़ते हैं और कानून में बदलाव किया, लेकिन इस तकनीक का फ़ायदा बाड़मेर को हो सकता है। बाड़मेर के हाई स्कूल से के आसपास के इलाकों से लगाकर नेहरू नगर और इन पूरे इलाकों में वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। नगर परिषद भी इससे समस्याग्रस्त है और हर बार नगर परिषद में इस बात का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता है कि आखिर आम जनता इस समस्या से कैसे निजात पाए। सरकार के पास निजात
का कोई साधन मिला नहीं, गुजरात की कंपनी ने उम्मीद जगाई है। अब ये भी इनका दावा है कि ये तकनीक बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर टाइम्स, खबर सबसे पहले।